हेलो 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 इसके पैसे नहीं दिए किसी ने। हेलो 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 चलो इसी में अच्छी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यार, मुझे आप तो सच्ची में आ गए। मतलब अमेरिका बड़ा बिजी लोगों का शहर है, आप लोग कितने मिलने हमें देखने आ गए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप लोग अपना कीमती समय में से समय निकाल के आए, बहुत बड़ी बात होती है इन शहरों में, इन देशों में समय बहुत बड़ी चीज है। और आप लोग बहुत दूर दूर से ड्राइव भी करके आए हैं, और आप लोग आए हैं तो हम लोग आए हैं, नहीं तो हमें कौन बुलाता, हमारी तो मासी चाचे सारे अमृतसर में रहते हैं। हेलो जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। एक बार आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए, आपके खुद के शहर के लिए। ये आप लोगों का प्यार है, आप इतना खर्चा करके आए उसके बावजूद हंस रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है बंदे का। अपनी शादी भी 2-4 लाख ज्यादा खर्च हो जाए ना, उसको अपनी बीवी नहीं अच्छी लगती, सुहागरा डिले हो जाती है उसकी, प्यार महंगा पड़ गया, सीरियसली। अच्छा, इस टूर की हमने शुरुआत की थी टेक्सस से, डैलस से। तो वहां पे एक कहावत है कि एवरीथिंग इज बिगर इन टेक्सस। वाकई सब कुछ बड़ा बड़ा था, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े ब्रिज, गाड़ियां जा रही, बंदे दिख नहीं रहे। ये दिनेश ने भी एक फेसबुक पे सेट करके रखा था कोई माहौल किसी के साथ, वो लड़की जब आई वो भी बड़ी निकली उम्र की, फिर इसने ये मुकर गया, कहता मैं नहीं दिनेश, मेरे डैडी है, कहता किसी का तो भला हो, सीरियसली। मेरे को तो पता नहीं हम लोग इतनी इतनी छोटी छोटी चपातियां खाते हैं इंडिया में, चपाती भी आई तो इतनी बड़ी, अफगानी नान कोई लेके आया बंदा, मैंने अपनी इतनी तोड़ ली, बाकी किसने लुंगी बना ली थी। एक्चुअली ना अब तो थोड़ा ठीक हो गया, हमें 15-20 दिन हो गए अब अमेरिका आए हुए। डैलस पहले दिन गए, बंदे ही ना दिखे हमें, एक्चुअली बंदा कोई नहीं था, मुझे लगा कहां गए हमें बुला के। ऊपर से ये एलन मस्क ने गाड़ियां ऐसी बना दी, अपने आप ही चल रही, उसमें भी बंदे नहीं दिख रहे, सीट नीचे करके लेट रहे, गाड़ी अपने आप चल रही है। एक आदमी ने अपनी बीवी को फोन किया, कहता तेरी गाड़ी कोई औरत लेके जा रही है, कहती मैं ही हूं, तूने बिना मेकअप का देख लिया होगा। वो डैलस में मैंने देखा, जो मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि हमारे साथ क्या हुआ। डैलस में मेरे को बड़ी अच्छी चीज लगी कि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्सी नहीं लेती है, टैक्स लिया ही नहीं उन्होंने, सड़कें अच्छी अच्छी बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा अच्छा बना दिया, लोग बसेंगे बोलते आगे फ्यूचर में जाके, उस हिसाब से प्लानिंग की है। हमारे उल्टा है, हमारे पहले लोग बसने देते हैं लोगों को, अच्छी तरह से बस जाते हैं ना, फिर याद आता है सड़क तो बनानी भूल गए, फिर घरों के बीच में से सड़क निकालनी पड़ती है। इसलिए आप देखना कभी कभी हमारे हाईवे के दोनों तरफ ना बाथरूम आधे आधे कटे मिलेंगे आपको, सड़क बना के निकल गए। यहां पे मैंने अपार्टमेंट देखे लोगों के, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, कोई तारों पे कपड़े नहीं डालता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनकी, तो बाहर से पता नहीं चलता कि कोई अंदर रह रहा है कि नहीं रह रहा है। मैं तो अब जिस शहर में रहता हूं, मुंबई में पले बड़े हम लोग, अमृतसर में है, वहां पे तो खिड़की खोलो सामने खेत नजर आते थे, मुंबई में खिड़की खोलो सामने कच्चे बनियान टंगे नजर आ रहे हैं, वो भी छेद वाली बनियान, छेद में से घूर के आप देख लोगे इस घर में कितने लोग रहते हैं। यहां पे मैंने देखा ज्यादा होते नहीं, आस पड़ोस से ज्यादा बातचीत होती नहीं, तभी हमारे बुजुर्ग जब अपने बच्चों से मिलने आते हैं, पोते पोतियों से मिलने आते हैं ना, उनका दिल नहीं लगता, क्योंकि बातचीत करने वाले लोग नहीं है आस पड़ोस में। ऊपर से ठेले वाला भी नहीं कोई निकलता सब्जी वाला, कि बंदा उससे टाइम पास कर ले, और तो और मक्खियां भी नहीं कि बंदा वही मार ले। यहां तो मैंने देखा अंग्रेज लोग अपने पड़ोसी ज्यादा बात बात नहीं करते, हमारे तो बुजुर्ग इतना बात कर लेते हैं कि एक टाइम आता पीछे से जाती हुई औरत को देख के बता देते ये दविंदर की बीवी है, क्योंकि इतना पहचान जाते हैं। ये लाइट इतनी शार्प क्यों है भाई, इस स्टेज पे नोरा फतेही खड़ी है कि बड़ा गौर से देखना मिले, थोड़ी कम कर दो इसको।